आज हम मक्के के आटे की कचौड़ी बनाएंगे, जिसके लिए हमने 4 आलू उबला हुआ ले लिए हैं। इसमें 1 बड़ा प्याज ले लिए हैं, अगर छोटा हो तो 2 प्याज आप ले लीजिएगा, पतला पतला महीन महीन इसको काट लीजिए। 2 हरी मिर्च, धनिया का पत्ती ढेर सारा, 1 कटोरी मक्के का आटा, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार। पहले हम आलू को इस तरह से इसमें घिस लेंगे सारे। देखिए आलू सारा हम घिस लिए हैं, इसमें डाल देंगे आटा, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, जीरा, हींग। पहले आलू में आटा को खूब अच्छे से मल लीजिए, उसके बाद पानी डाल के गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को हमें गूंथना है, जैसे हम पूड़ी उड़ी का आटा बनाते हैं, कचौड़ी का आटा, उसी तरह से। ये देखिए आटा हमारा अच्छा सा गूंथ गया है, अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद कचौड़ी बनाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा कचौड़ी का पेड़ा लेंगे और इसको आराम से बेलते हुए इस तरह से, ये हमने कचौड़ी बेल लिए हैं। के हाथ से कोना को हल्का सा दबाव देते हुए इसको तल लेना है हमको। ये देखिए इस तरह से सारी कचौड़ी तल के हम निकाल लेंगे। ये देखिए मक्के की कचौड़ी बनके तैयार है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।